पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और शरद जापे के सम्मान में हैप्पी मंडल परिसर में सम्मान समारोह रखा गया। पद्मभूषण सम्मानित पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और विश्वामित्र अवार्ड 2019 से सम्मानित शरद जापे के सम्मान में उक्त कार्यक्रम भारत को एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा चिमन बाग स्थित हैप्पी वंडर परिसर में रखा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश भारत खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित पोरवाल ने बताया कि खो खो खेल को लेकर शहर के बच्चे जागरूक हो रहे हैं। नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी खो खो खिलाड़ी तैयार हैं। वहीं सम्मान पाकर शरद जापे ने बताया कि आयोजन में उनका और ताई का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। हालांकि सुमित्रा महाजन आयोजन में नहीं पहुंच पाई। कार्यक्रम में ललित पोरवाल, MS त्यागी, सुधाकर उर्दोर से, प्रभाकर लक्कड़, राधेश्याम सोलंकी, अशोक चौहान, राजू गायकवाड़, कृपा शंकर पटेल, सुषमा गोलकर, नितिन कोठारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। और हैप्पी वंडर्स की तरफ से आज यहाँ विक्रम अवार्डी शरद दादा जपे और इंदौर की लोकप्रिय सांसद रही, लोकसभा स्पीकर रही, उनको पद्मश्री से केंद्र सरकार ने सम्मानित किए हैं। उनके सम्मान में यह आयोजन रखा गया था। खो खो एक ऐसा खेल है जो भारतीय खेल है, जिसमें अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, और इन खेलों को बढ़ाने के लिए मध्य भारत खो खो एसोसिएशन और हैप्पी वंडर्स लगातार प्रयास कर रहा है। और जैसा कि अभी आपको बताया जब साहब ने कि यहाँ पर हमने 16 में एशियन खो खो चैम्पियनशिप कराई थी, जिसमें 14 टीम पुरुषों की और महिलाओं की टीम यहाँ इंदौर में आई थी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद ये लगातार चल रहा है। अब आने वाले समय में दिल्ली में एशियन खो खो चैम्पियनशिप का बड़ा आयोजन हो रहा है और यह खेल पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो, और इसके लिए मध्य भारत खो खो एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है। और इसीलिए हमारे जो शरद जापे जी हैं वो प्रत्येक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पूरा समय अपना देते हैं और अपने मन से पूरा, क्योंकि खो खो एसोसिएशन जो है ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना जो पूरे देश में पूरे विश्व में खो खो का नाम रोशन करें, और ये इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। और इसी तारतम्य में आज हमने जो शरद दादा जापे को विश्वामित्र अपार्टमेंट जो अवार्ड मिला है उसके अभिनंदन के लिए आयोजन रखा था। मैं ललित पोरवाल, मध्य भारत खो खो एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज के आयोजन के बारे में यही हैप्पी वंडर्स और मध्य भारत खो खो एसोसिएशन और इंदौर की खेल सही खेल संस्थाओं ने मुझे विश्वमित्र पुरस्कार लेने पर यह आयोजन रखा था। निश्चित ही खो खो के क्षेत्र में हम लोग विगत 45 वर्षों से निरंतर खिलाड़ियों को तैयार करने में लगे हैं। हैप्पी वंडर्स और मध्य भारत खो खो एसोसिएशन के माध्यम से ही खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में गोल्ड मेडल अर्जित कर यहाँ के लगभग 23 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार भी मिला है, और उस पार्श्वभूमि में यहाँ के सभी खिलाड़ियों का जो सम्मान है उनके पीछे पीछे उनके प्रशिक्षक और कार्यकर्ता जितने भी लगे हुए हैं उन सबका सम्मान है। सर, आज के ज़माने में जो खो खो एक खत्म सा ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कम लोग बच्चे खेलते हैं आज खो खो। नहीं सर, अभी आप लोगों को थोड़ा मैं अपडेट कर दूँ। अभी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इस ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसा क्रिकेट में IPL होता है वैसा खो खो में भी IPL चालू हो रहा है। अभी दिल्ली में एक महीने से कैंप लग रहा है, उसमें 162 खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं और उनका प्रशिक्षण शिविर 1 महीने का पूरा लगा है, और उसमें टीमें हायर कर रहे हैं। और हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु जी मित्तल और हमारे महाजनरल सेक्रेटरी श्री मोहिंद्र सिंह त्यागी, इनके अथक प्रयासों से खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुँचाने के लिए बहुत
सक्रिय भूमिका चल रही है। आपको वो भी होगा कि वर्ष 2016 में इंदौर में ही सुमित्रा नाई के नेतृत्व में एशियन खो खो चैंपियनशिप हो चुकी है और उसी की अब चौथी एशियन खो खो चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित होने वाली है और आने वाले समय में एशिया में भी इसको सम्मिलित करने का पूरा प्रयास कर रहा है और वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। इंग्लैंड, श्रीलंका, नेपाल के साथ में टेस्ट मैचेस का भी आयोजन हो रहा है। निश्चित ही अब खो खो आगे बढ़ रहा है, जो पहले केवल नेशनल लेवल की स्पर्धा होती थी, अब ये इंटरनेशनल लेवल की स्पर्धा होने जा रही है। आपका परिचय, आपका परिचय, आपका नाम? मैं शरद जपे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।